भारत के आगे एलोन मस्क ने डाले हथियार। कहा भारत से पंगा मतलब सीधा जेल की हवा। भारत में काम करना है तो फिर मानने ही पड़ेंगे नियम। दोस्तों एलोन मस्क ये नाम आपको हर दिन या फिर सप्ताह में किसी न किसी दिन चर्चाओं में आयता हुआ दिखाई देता है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क भारत को लेकर कभी नरम तो कभी गरम नजर आते हैं। एक दौर था जब पीएम मोदी भी इनकी कंपनी में विजिट करने के लिए पहुंचे थे। एलोन मस्क भी मोदी के साथ ही भारत के तगड़े मुरीद रहे हैं और उन्होंने हाल ही में मोदी को ट्विटर पर फॉलो भी करना शुरू कर दिया है। हालांकि दोस्तों टीम मोदी ने अमेरिका के इस रॉकेटमैन का टिकट भारत के लिए कई बार कट किया है। टीम मोदी ने इनको बार बार भारत में इनकी कार टेस्ला के लिए इनवाइट किया, लेकिन एलोन मस्क टस से मस नहीं हुए और चीन से अपनी कंपनी निकालने पर जरा भी इधर उधर नहीं हुए। लेकिन जब से अपने सैटेलाइट इंटरनेट का जाल भारत में गुपचुप तरीके से फैलाने के लिए आगे बढ़े तो मोदी सरकार ने तुरंत ही इनकी सारी दुकान समेट दी और दोस्तों नियमों का हवाला देकर इनको ठंडा कर डाला और ऊपर से इनकी कार को भी भारतीय मार्केट में एंट्री मारने के रास्ते पर टैक्स का बड़ा सा पहाड़ खड़ा कर डाला। और दोस्तों अब एलोन मस्क ने कुछ ऐसा कहा है कि मोदी सरकार की आप वाह वाह करेंगे। दरअसल दोस्तों ट्विटर के नए बॉस यानी एलोन मस्क ट्विटर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान भारत में ट्विटर सेंसरशिप को लेकर के बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत में सोशल मीडिया को लेकर के नियम बहुत ज्यादा कड़े हैं। ये वेबसाइट यूजर्स को वैसी इंडिपेंडेंस नहीं देती है जैसी अमेरिकी यूजर्स और दूसरे पश्चिमी देशों में मिलती है। हालांकि दोस्तों चीन के लगातार मुरीद रहे एलोन मस्क ने चीन का नाम बिल्कुल ही नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ट्विटर कभी कभी भारत में कंटेंट सेंसर और ब्लॉक करता रहा है। अगर कंपनी भारत के नियमों का पालन नहीं करेगी तो उसके कर्मचारी जेल भेजे जा सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर क्या दिखेगा भारत में इसको लेकर के सख्त नियम बन चुके हैं। और ट्विटर की टीम एक देश के नियम के खिलाफ कभी भी नहीं जा सकती है। अगर हमारे पास सिर्फ ये विकल्प हो कि या तो हमारे लोग जेल जाएंगे या फिर हमें नियम मानने पड़ेंगे तो हम नियमों का ही पालन करेंगे। हालांकि मस्क ने ये नहीं बताया वो किस नियम या किस कानून की बात कर रहे थे। दोस्तों एलोन मस्क की ही एक और कंपनी है स्पेस एक्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट प्लेयर है स्पेस सेक्टर में। और दोस्तों इस वक्त भारत का इसरो और भारत के प्राइवेट प्लेयर्स इसको बड़ा टफ कंपटीशन दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों एलोन मस्क की एक और कंपनी है, वो है टेस्ला, लेकिन उसकी कार की बिक्री भी भारत में उनके जिद्दीपन की वजह से बहुत कम हो पा रही है, क्योंकि टीम मोदी ने बार बार एलोन मस्क को कहा था कि वो भारत के अंदर अपना प्लांट लगाएं ताकि उनको टैक्स के अंदर बहुत बड़ी रिबेट दी जा सकेगी, साथ ही बहुत बड़े फायदे देंगे। लेकिन एलोन मस्क चीन से अपनी कंपनी को निकाल करके दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करना चाहते थे। वहीं दोस्तों एलोन मस्क अंतरिक्ष से इंटरनेट भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिसको लेकर के भी वो भारत में एंट्री मार रहे थे। लेकिन अगर एलोन मस्क अकेले भारत में पहले एंट्री मार लेते तो भारत के प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। दूसरी बात, इससे पूरी की पूरी भारत की सीक्रेट इंफॉर्मेशन अमेरिका जाने की संभावना थी, लिहाजा मोदी सरकार ने वहां भी इनका पत्ता कट कर दिया। और अब एलोन मस्क ने इस मामले में ये बड़ा बयान दिया है। आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।